हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मनीष शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम कलर पिक्चर ट्यूब, जो कि प्रिसीजन इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब कहलाती है, उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब की स्टडी की थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, कलर टेलीविजन की डिस्प्ले ट्यूब्स तीन तरह की हमारे कोर्स में है, डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब, गन्स इन लाइन और प्रिसीजन इन लाइन या PIL कलर पिक्चर ट्यूब, सिंगल गन और ट्रिनट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब। डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब की हम स्टडी कर चुके हैं, आज सेकंड टाइप की कलर पिक्चर ट्यूब प्रिसीजन इन लाइन की स्टडी हम करेंगे। तो इस फिगर में PIL कलर पिक्चर ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि इसके अंदर तीन गन होती है और वे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिसाइसली अलाइन होती हैं, जबकि डेल्टा गन के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन गन्स जो थी वो 120 डिग्री अपार्ट थी। तो यहां पर ये जो इनलाइन गन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट को सिंप्लीफाई करता है। PIL कलर पिक्चर ट्यूब्स में भी फॉस्फर स्क्रीन होती है, लेकिन डेल्टा गन और PIL कलर पिक्चर ट्यूब में एक डिफरेंस होता है कि यहां पर वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं ट्रायड्स की, और जो आरजीबी के लिए होती हैं, विच आर रिपीटेड अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द ट्यूब। तो जैसी अगर हमें डेल्टा गन के अंदर कलर फाइननेस थी, वैसी ही अगर हमें कलर फाइननेस PIL कलर पिक्चर ट्यूब में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन स्ट्राइप्स ऑफ सेम कलर इन एडजेसेंट ट्रायड्स इज मेड इक्वल टू दैट बिटवीन द डॉट्स ऑफ द सेम कलर इन द डेल्टा गन ट्यूब। अर्थात सेम कलर फाइननेस डेल्टा गन ट्यूब की तरह लेने के लिए हमें सेम कलर के ट्रायड्स में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो डेल्टा गन में जैसा स्पेसिंग रखी थी हमने, उसी के इक्वलेंट इसमें रखी जाती है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि तीन जो गन्स हैं उसमें सेंटर गन है ग्रीन, राइट और लेफ्ट में इसके रेड और ब्लू हैं। तो उन गन्स के बाद एक है अपर्चर मास्क, और इस अपर्चर मास्क में वर्टिकल स्लॉट्स होते हैं जो कलर फॉस्फर स्ट्राइप्स के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, एंड वन वर्टिकल लाइन ऑफ स्लॉट्स इज फॉर वन ग्रुप ऑफ फाइन स्ट्राइप्स ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू फॉस्फर। मतलब एक स्लॉट से रेड ग्रीन और ब्लू फॉस्फर वहां पर कवर होते हैं। तीनों, जैसा हमने देखा, तीनों इलेक्ट्रॉन बीम सेम प्लेन में है, और ग्रीन इट मूव्स अलोंग द एक्सेस ऑफ द ट्यूब, लेकिन राइट और लेफ्ट गन्स ब्लू और रेड वाली जो है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है, जिससे कि वो अपर्चर ग्रिल पर सेंट्रल बीम के साथ मिल सके। एंड द स्लॉट्स इन द मास्क आर सो डिजाइंड दैट ईच बीम स्ट्राइक्स इट्स ओन फॉस्फर। तो इसका मतलब है कि जो मास्क के अंदर जो स्लॉट होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो भी बीम है वो अपने ही फॉस्फर को स्ट्राइक करती है और किसी दूसरे फॉस्फर पर नहीं जाती। जो ये PIL ट्यूब्स हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होती हैं इन कंपैरिजन टू डेल्टा गन ट्यूब, और इनके अंदर हायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी होती है और कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट्स भी मिनिमम होते हैं। ये एक PIL कलर पिक्चर ट्यूब का बैक साइड का पोर्शन दिखाया हुआ है हमने। यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन योक है जो इसकी नेक कहलाती है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस मैग्नेट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा बेस है और क्लैंप है। ये प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस मैग्नेट्स डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब के कंपैरिजन में इनकी वर्किंग इसमें इजी होती है और कम होती है। जो अगर हम इस प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस की बात करें, तो जो मॉडर्न PIL ट्यूब्स होती हैं कि उसके अंदर हार्डली कोई प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्मॉल एरर्स अगर हैं ड्यू टू माउंटिंग टॉलरेंसेस
और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उसके लिए मल्टीपोल परमानेंट मैग्नेट यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि वो नेक ऑफ द ट्यूब पर लगाई जाती हैं डिफ्लेक्शन योक पर। और जो सारी मैग्नेट्स हैं, दे आर सूटेबली ओरिएंटेड टू अचीव कलर प्योरिटी, स्टैटिक कन्वर्जेंस एंड स्ट्रेटनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रास्टर लाइंस। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस एरर क्या होती है। तो एक एरर होती है कन्वर्जेंस एस्टिगमेटिज्म। यहां इस फिगर में नीचे दिख रहा है हमको स्क्रीन प्लेन, ऊपर हम देख रहे हैं कि वर्टिकल जो पॉइंट्स हैं पी जी क्यू, इनसे जो फोकस बन रहा है इट इज शॉर्ट ऑफ स्क्रीन। एफ वी जो पॉइंट दिख रहा है ये वर्टिकल पॉइंट से जो फोकस बन रहा है वो शॉर्ट है। आरजीबी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं इनसे जो फोकस बन रहा है वो दैट इज बियॉन्ड स्क्रीन एफ एच। तो ये जो एरर हैं ये कहलाती है एस्टिगमेटिज्म, और ये यूनिफॉर्म फील्ड के साथ होती है और ये कन्वर्जेंस एरर प्रोड्यूस करती है। ये इफेक्ट जो एस्टिगमेटिज्म है ये कन्वर्जेंस इफेक्ट एरर प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो होता है वो कोमा इफेक्ट होता है, एंड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डिफ्लेक्शन फील्ड ऑल द बीम्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द सेम अमाउंट। डिफ्लेक्शन फील्ड की नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण जो सारे बीम्स हैं वो सेम अमाउंट में डिफ्लेक्ट नहीं होते। जो सेंट्रल बीम जो कि ग्रीन बीम है वो स्मॉलर अमाउंट में डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्मिटी के लिए इसका अपोजिट भी हो सकता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल बीम भी हो सकता है। ये जो डिस्टॉर्शन है ये कोमा कहलाता है और ये माइक्रो कन्वर्जेंस ऑफ द बीम के प्रोड्यूस करता है। कोमा इफेक्ट इस फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो सेंट्रल बीम है ग्रीन वो अलग लैंड कर रही है और ब्लू और रेड अलग लैंड कर रही है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे, PIL ट्यूब की वर्किंग थी, PIL ट्यूब का कंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरी कलर पिक्चर ट्यूब की स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड मटेरियल फिगर्स ये सब मोनोक्रोम एंड कलर टेलीविजन बाय आर आर गुलाटी से लिए गए हैं। थैंक यू।